कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यह कहावत आज सारण जिले के मांझी थाना अंतर्गत मंझनपुरा नदी घाट पर उस समय चरितार्थ हो गई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त घाट पर बालू लदी चार नावें आई हुई हैं। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नावों को जब्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी नावों पर चढ़ गए, लेकिन नाविक और बालू माफिया भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद नाविकों और बालू माफियाओं ने नाव को नदी में मोड़ लिया। अब इतना के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और नाव पर चढ़े पुलिसकर्मी नदी में कूदकर जल्दी से घाट पर भागे और भागकर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही उन लोगों के द्वारा इस बात की सूचना पदाधिकारियों को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक नाव एवं दो ट्रैक्टर को तो जब्त कर लिया, लेकिन तीन नाव नदी में दूर निकल चुके थे। हालांकि ऐसी घटना सारण जिले के एक घाट की नहीं है। यहाँ अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको सारण जिले का रहरिया घाट, जहाँ लाल बालू का अवैध साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ नदी में सैकड़ों नावें एक साथ बालू लदी गुजरती हैं और बालू घाट पर भी यह नज़ारा देखने को मिल सकता है कि सैकड़ों नावों से प्रतिदिन बालू उतारा जाता है। काफ़ी संख्या में लोडर मौजूद है, हजारों की संख्या में ट्रकें मौजूद हैं जिन पर लोडर की मदद से बालू लोड किया जाता है और वह बालू बिहार के साथ बिहार के सीमावर्ती इलाके यूपी और अन्य जिलों तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तब खड़ा हो उठता है जब इस बालू साम्राज्य के काले खेल के पीछे किस सफेदपोश की हाथ है, जो कि इस तरह एनजीटी के रोक के बावजूद बालू घाट पूरी तरह गुलजार है। आखिर पुलिस यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती और पहुंचने का प्रयास करती है तो हमले हो जाते हैं, फायरिंग तक हो जाती है। रिपोर्ट हलचल 24 छपरा।